बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों का महीना तसव्वुर किया जाता है। हर एक की कोशिश होती है कि वो इस माह मुबारक से जितना हो सके फैज़याब हो। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने खला में रोज़ा रख कर एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, ज़मीन पर रोज़ा तो सभी रखते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने ज़मीन से बाहर खला में रोज़ा रखा। समा के मुताबिक साल 1985 में खला का सफ़र करने वाले पहले अरब खलाबाज शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने रमज़ान में अमरीकी स्पेस शटल डिस्कवरी के सफ़र के दौरान रोज़ा रखा, और कुछ अरसा कबल इन्होंने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस बारे में अपने तासरात से आगाह किया। शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने बताया कि वो 29वें रोज़े के दिन नाकाबिल फरामोश खलाई सफ़र पर रवाना हुए थे, जो कि एक कभी ना बुलाया जाने वाला तजर्बा था। सुल्तान बिन सलमान के मुताबिक खलाई सफ़र के दौरान इन्होंने 6 दिन में कुरान मजीद का ख़त्म भी किया, और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने सोने का वक़्त भी मुख्तस किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान जब इरादा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन कर सकता है, और हमारे लिए पूरे एक साल में एक महीना रोज़े का होता है हमारे लिए बोझ बन जाता है।